न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 8 स्थित गांव आसलवास के निकट सुनसान इलाके में बीती रात पुलिस ने 8 बदमाशों में 2 कबाड़ियों को टेम्पो सहित गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने दर्जनों मोबाइल टावर्स और वाहनों से चोरी की गई बैटरियां बरामद की हैं। सभी चोरों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस ने सभी चोरों को रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव आसलवास स्थित ओवरब्रिज के निकट 8-10 युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घात लगाए बैठे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और उन्हें मौके से धर दबोच लिया। पकड़े गए युवकों में राजस्थान के अजमेर निवासी रतन के अलावा गोहाना के भैंसला खुर्द निवासी मोनू, भीलवाड़ा के गांव सुरेडी निवासी लक्ष्मण, जिला टोंक निवासी ओमा उर्फ ओम प्रकाश, अजमेर के बांदनवाड़ा कल्याणपुरा निवासी कानानाथ, अलवर के ही गांव साजापुर निवासी आकाश, जासपंत देवगढ़ के आनंद नगर निवासी गणपत व बावल के टेम्पो चालक संजय शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब रिमांड के बाद और खुलासे होने की संभावना है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। चाहूंगा कि जो दिनांक 10 तारीख की रात को पूरे प्रदेश में नाइट डोमिनेशन था और इसी दौरान रेवाड़ी पुलिस नाइट डोमिनेशन के दौरान एक गिरोह के 8 व्यक्तियों को काबू किया जो कि लूट की योजना बना रहे थे आसपास के नजदीक। और इस लूट की योजना के अंदर एक जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसके अंदर यह है कि जो टावर्स थे जो नेटवर्क के, इनकी जो बैटरियां होती थी और अन्य जो व्हीकल्स या अन्य स्थानों पर जो बैटरियां थे, ये उन बैटरियों को उड़ाते थे और इनको फिर अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के बेचते थे। जो हमारी पुलिस ने उस रात नाइट डोमिनेशन के दौरान 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के पश्चात जो बैटरी चोरी करने वाले 2 व्यक्ति और इनको प्राप्त करने वाले 2 व्यक्तियों को अन्य अब तक के कुल 10 व्यक्ति इस के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और इनसे काफी मात्रा के अंदर बैटरी बरामद की गई है और इनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है जो अभी इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। ज्यादातर हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के हैं। इनमें से जो अब तक मेरे पहचान में हमारी पहचान हुई है उनके अंदर राम समंद निवासी गणपत है, भीलवाड़ा निवासी ओम प्रकाश व लक्ष्मण, अलवर निवासी आकेश और अजमेर निवासी रतन व कान्ना, सोनीपत निवासी मोनू, रेवाड़ी के बावर निवासी संजय व महेश, गाजियाबाद निवासी शाहिद के रूप में हुई। कोई माइनर नहीं अभी तक इन्होंने हमारे जिले की 20 वारदातों को माना है। ये बैटरी से कटर लगा करके जो बैटरी को कटर की इमदाद से काट करके चन्न मिनटों के अंदर बैटरी को हटा, काफी लंबे समय से कर रहे हैं। अभी इनसे इस विषय के अंदर और गहनता से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है इन्होंने और कहां का वारदात और इस प्रकार के अलावा अगर किसी प्रकार की वारदात भी की है तो उनका भी हम पुलिस रिमांड। इनका ये क्रिमिनल नेचर के आदमी प्रतीत होते हैं, अभी तक इनका बैकग्राउंड लिया जा रहा है और इनसे इस विषय के अंदर भी कि किस प्रकार से ये गिरोह के असेंबली हो जाती है, जैसा अभी तक जो प्रथम दृष्टिया मेरे सामने आया है कि ये पहले भी वारदातों के अंदर शामिल हो, 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से ये आपस में मिल करके गिरोह बना करके। और ज्यादातर इन्होंने मतलब इस बावल क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और इधर टावर है तो इस एरिया को भी यानी कि यहाँ पर हमारे कसोला थाने के और बावल थाने के इलाके में लगभग 14 वारदातों को इन्होंने डिस्क्लोज किया है।